सल्तनते उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुंतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहमो फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। कल 7 आदमी टूटे हुए कलीसा में जाने वाले हैं। उनका ताल्लुक बर्तानिया की एक जराइम पेशा तंजीम से है। शायद वही लोग हेरोइन फरोशी में मुलव्विस हैं। अगर एक मोहब्बत ने शहजादे का दिल तोड़ा है, तो आप सब्र और नरमी से उनके दिल पर मरहम लगा सकती हैं। हम वो पैगामात तभी पढ़ पाते हैं जब सब इकट्ठे हो जाएं। जब सारे पैगामात बाहम मिलते हैं, तभी उनका मफहूम वाज़े होता है। हर किसी के लिए एक लफ्ज, फिर जब हम उन्हें तरतीब देते हैं तो समझ आ जाता है। हमारा मकसद उस सफ़ियों से भरे जहाज का ताल्लुक आने वाले टेलीग्राम से जुड़ना है, इसलिए जरूरी है कि पकड़े जाने वाले अफराद बंदरगाह पर मौजूद हों। अपनी बेटी को इंसाफ दिलवाने के लिए आपको किसी भी हाल में वजीर आजम बनना होगा। सिर्फ उसी सूरत में आप इंसाफ हासिल कर सकेंगे। अब हम जल्द ही अफसुन खातून से बात करेंगे। आप उनसे कब बात करेंगी? कल सुबह कहवे के लिए मधु करेंगे। तंजीम के जिन लोगों ने ये काम करना था वो गायब है। हमने हर तरफ देख लिया लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। अगर वो ना मिले तो सब खत्म हो जाएगा जनाब पारवोस। फहीम पाशा ने उन सबको मार डाला। मंसूबा खराब हो सकता है, हमें सुल्तान को आगाह करना चाहिए। अभी हम कुछ नहीं बताएंगे। 2000 अफराद कल शाम सोफिया पिंडाल में जमा होंगे। वो खूनी शादी पर मबनी खेल देखेंगे। पाशा, तमाम कानूनी कार्रवाई मुकम्मल हो गई है। आला, जाब्ते की कार्रवाई हो चुकी है, हम सवार हो सकते हैं। ये जहाज अफ्यून लेके जा रहा था, सारी जब्त कर ली गई है। ठीक है पाशा, वो लोग कहाँ जिन्होंने सामान उतारा था? मैं कैसे जान सकता हूँ अफसर आफंदी, मुझे कैसे पता होगा? मेरे सहाफी दोस्तों, मैंने बताया था ना कि आपके लिए एक अहम खबर है मेरे पास, तो चलें। बहुत खूब। सिर्फ हवा में गोलियां चलाओ। गोली मारो शेरो, गोली। आफरीन, बहुत आला। आफरीन मेरे शेरों, बहुत आला। पाशा, लगता है हमने उन्हें मार दिया। बहुत खूब बहादुर, शाबाश।
बादशाह ये मर चुका है। माशाल्लाह हमारे मुहाफिजीन अंधेरे में गोलियां चलाईं, फिर भी निशाना नहीं चुका। पाशा ये कौन है? जहाज का मालिक जो फ्यूल लाया है। पाशा मुझे चाबी मिल गई, लाओ। मेरे शेर तुमने खूब काम किया, सबको जहन्नुम भेज दिया, बहुत खूब। शुक्रिया पाशा। ओह, ये फ्रांसीसी डाक इदारे की किसी डाक बक्से की चाबी है। उन सबको तलाश करें, मालूम करें कि यह अहकामात किससे और कैसे ले रहे थे। जो हुक्म मेरे पाशा। हाँ तो मेरे सहाफी दोस्तों, आप लोगों ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, सब कुछ तफसील से लिखिएगा, सबको तलाश करो। चले बल्गारिया की बागी तंजीम को फौरन दावतनामा भेजो कि उन्हें सोफिया के पिंडाल में खूनी शादी के लिए मदो किया गया है। जैसे ही वो खेल मुकम्मल होगा तो उस वक्त असलहा उनके हाथ में होगा। जनाब पारवुस, ये खेल आपका मंसूबा नहीं था क्या? मुझे असल मंसूबा बताएंगे? खूनी शादी, बल्गारिया के खिलाफ तुर्कों के मजालिम अब्दुल हमीद के जालिम होने का एक सबूत है। उनका जो भी बाशिंदा इस खेल को देखेगा किसी मुसलमान को मारे बगैर हरगिज घर वापस नहीं जाएगा। अगर आपको इस खेल पर यकीन भी है उसके बावजूद ये सिर्फ अवाम पर नहीं छोड़ना चाहिए। हम बस इस मामले में थोड़ी सी मदाखलत करेंगे। 2000 अफराद के मजमे में 700 अफराद सरगोशियां करेंगे कि उनकी कौम पर होने वाले जुल्म सितम को खत्म करें। उन्हें बगावत की तरगीब दी जाएगी, वो उस्मानियों की आबादियों की तरफ बढ़ेंगे, पाए तख्त में बड़े पैमाने पर खूनरेजी होगी। आ जाएं। सुल्तान मुअज्जम, खुशखबरी है, वज़ीर इंसाफ ने इत्तला दी है कि अफ्यून लाने वाला जहाज पकड़ा गया है। और उसमें मुलव्विस लोगों का क्या हुआ? उनके और मुहाफिजों के दरमियान तसादुम हो गया था, वो सब के सब मारे गए। आपके हुक्म के मुताबिक सहाफी हजरात भी बंदरगाह पर मौजूद थे। सबूत क्या मिला? उनमें से एक की जेब में फ्रांसीसी बक्से की चाबियां मौजूद थी। सब कुछ तैयार है, वज़ीर इंसाफ ने भी अपनी तैयारी कर ली है। तो सब कुछ हमारे मंसूबे के मुताबिक हुआ पाशा, लेकिन यह हैरत की बात है कि सिर्फ 7 अफराद ने तसादुम किया। बहरहाल हमारा मकसद पूरा हो गया। फ्रांसीसी डाक का इदारा बैनुल-अक़वामी जुर्म में मुलव्विस है और सहाफी इसके गवाह हैं। लिहाजा तरसील की गई डाक को देखने के लिए अब कोई रुकावट नहीं है पाशा। फौरन फ्रांसीसी इदारे के दफ्तर पर छापा मारा जाए, आने और जाने वाले तमाम पैगाम की जाँच की जाए, खुसूसन बल्गारिया भेजे जाने वाले तमाम पैगाम की। हमें यह जानना है कि पारवुस क्या चाहता है। महमूद पाशा आपके साथ जाएंगे। जैसा आप चाहें। हम क्या करेंगे मुराद अफंदी? मुराद मर चुका है उस्मान, मुराद मर गया है, अब सिर्फ मैयत है, इसकी आदत डाल लो। हम क्या करेंगे मैयत अफंदी? मैं नहीं जानता। फहीम पाशा झूठा है, झूठा है वो। वो हमारे दिमागों से खेलता है मैयत अफंदी, वो किसी पर भी रहम नहीं खाता। देखो उस्मान, वो शख्स काफी अरसे से जासूस है, हमें उसका नाम पता था मगर कभी देखा नहीं था। अगर हमें यह तरीका जारी रखना पड़ा तो फिर हम सोचेंगे। अब वक्त जाया नहीं करना, अपना काम करना है।
जब ये बगावत फैल जाएगी तो हम मजहब परस्तों के लिए इंसानी इमदाद का काम शुरू कर देंगे। जनाब परवोस, ये बगावत किस हद तक जा सकती है और इसके नतीजे क्या होंगे? मैं चाहता हूँ कि फ्रांसीसी इनकलाब की तरह हजारों लोग सड़कों पर मरें। इस आग को भड़काने के लिए हमारे पास बहुत मौके मौजूद हैं। सही कहा ना मैंने? इस खेल से मुतालिक लोगों को उस्मानी आबादियों की तरफ बढ़ाया जाएगा। वो हर कदम पर अब्दुल हमीद और तुर्कों के खिलाफ नारेबाजी करेंगे। हर तनाजा, हर लड़ाई, खून हमारे लिए मुफीद साबित होगा। अच्छा, अगर उनकी पेशकदमी रोक ली गई तो क्या होगा? उस्मानी फौज अगर उन्हें सड़कों पर हलाक करेगी तो अच्छा होगा। इस तरह बगावत की आग और भड़क जाएगी। इस बगावत से अब्दुल हमीद की नींद हराम हो जाएगी। जब ये सब हो रहा होगा तो मैं ऐसा काम करूंगा जो आप सब चाहते हैं, लेकिन वो काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। अब्दुल हमीद के सामने बगावत की खबर मैं पहुंचाऊंगा। अल्लाह के वास्ते हाथ नीचे कर लें, हम आपको लूटने नहीं आए हैं। आप भी अपनी बंदूकें नीचे करें, नीचे करें। रियासत के खिलाफ कुछ दस्तावेजात हैं जो संगीन जरायम का मूजिब बनी हैं, जो आपके टेलीग्राफ इदारे के जरिए दूसरी रियासतों में भेजी गई हैं। और अब तहसीन पाशा और मैनेजर के अलावा बाकी सब हजरात बाहर चले जाएं, ताकि अपनी तहकीकात का आगाज कर सकें हम। तहसीन पाशा, आप अपना काम शुरू करें। शुरू करता हूँ पाशा, शुरू करता हूँ। पाशा, क्या आप कहवा पीना पसंद फरमाएंगे? मंगवाऊँ आपके लिए? ये क्या कह रहे हैं आप? हम फर्ज की अदायगी कर रहे हैं तहसीन पाशा, और मैं भी आपके साथ काम करूंगा। कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैनेजर साहब, तमाम दस्तावेजात हमारे सामने लेकर आए। कमालुद्दीन, जी शहजादी, एक बहुत अच्छी खबर है। वो क्या शहजादी? आप इतनी पुरजोश हैं तो मैं भी जरूर सुनना चाहूंगा। हम खुश हैं, आप भी यकीनन सुनकर बहुत खुश होंगे। हम दोनों शादी के बाद अपनी हवेली में रहेंगे। शहजादी, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है, ये जानकर मुझे भी बहुत खुशी हुई। बिल्कुल, खदीजा भी आएंगी। खदीजा सुल्तान को परेशान ना करें। हम क्यों परेशान होंगे कमालुद्दीन पाशा? हम तो आप लोगों के साथ जा भी सकते हैं और हवेली का अच्छी तरह ख्याल भी रख सकते हैं। समझा नहीं मैं। हमें वालिदा ने इजाजत दे दी है, खदीजा और वासफी अफंदी हमारे साथ ही उस हवेली में रहेंगे। अब आप भी बाहर जा सकते हैं। हाँ, जल्दी लेकर आए, यहां रख दें। अब आप जा सकते हैं। गौर से देखो महमूद पाशा, गौर से। सुल्तान को हर सूरत मालूमात फराहम करनी है। लगता है तहसीन पाशा को कुछ मिला है, लेकिन क्या? तहसीन पाशा, मुझे एक अहम दस्तावेज मिली है, जरा देख लीजिए। तहसीन पाशा, मेहरबानी कीजिए, जरा देख लीजिए। कुछ मिला पाशा?
मुझे लगता है इस दस्तावेज में कुछ अहम मालूमात हो सकती हैं। आप देख लीजिए जरा आकर। पाशा, यह टेलीग्राम तो एक शौहर ने अपनी बीवी के लिए भेजा है। अच्छा पाशा, लेकिन यह पैगाम मुझे कुछ मशकूक लगा तो आपसे कह दिया। हो सकता है कि ये दोनों मुजरिम हों और आपस में पैगाम रसानी ऐसे करते हों जैसे वो मियां बीवी हों। हो सकता है ना? इसमें मैं क्या देखूं पाशा? बस शुबा हुआ था। मिल गया तहसीन पाशा। तहसीन पाशा ढूंढ लिया। मैंने तलाश कर लिया तहसीन पाशा। आपको फूल पसंद है? जी हाँ, लेकिन मुझे जंगली फूल ज्यादा पसंद है। क्या, क्यों? क्योंकि गुलाब, मोतिया, गेंदा ज्यादातर इन्हें आराइश के लिए उगाया जाता है, लेकिन जंगली फूल हमेशा अपने बलबूते पर जिंदा रहते हैं। वाकई ये तो है, हमें हौसला देते हैं फूल। जब हम अपने मुल्क में होते थे तो घंटों फूलों को देखते रहते थे। आप भी गुलाब के फूल की तरह खूबसूरत और जंगली फूल की तरह आजाद हैं। आप यहां मुतमईन नहीं होंगी? जी बिल्कुल, लेकिन अब यहां रहना हमारी मजबूरी है, सिवाय इसके और कोई चारा नहीं हमारे पास। आप गलत हैं, आपके पास और भी इख्तियार हैं। अगर आप चाहें तो हम पाए तख्त के तमाम जंगली फूलों को देख सकते हैं, फिर किसी और मुल्क जाएंगे और फिर कहीं और हो सकता है हम कफकस की पहाड़ियों पर भी चले जाएं। मैं आपसे शादी करना चाहता हूं, बाकी से और ये आपके लिए है। ये यकीन नहीं आ रहा हमें। आपको पसंद नहीं आया क्या? कुछ दिन पहले ही बाजी ने इसे फरोख्त कर दिया था, अफसरदा हो गए थे हम, और आज ये हमारे हाथ में है। तकदीर है ये, मेरी दरख्वास्त कबूल कर ले और मेरी तकदीर बन जाए। हमने एक बहुत अहम मामले पर बात करने के लिए बुलाया है। हमें और सुल्तान मौजम को आपकी बहन पाकीज़े बहुत पसंद आई हैं। माशाल्लाह, आप दोनों बहुत सुलझी हुई और समझदार खवातीन हैं। आपके वालदेन को यकीनन आप दोनों पर बहुत फख्र होगा। बहुत शुक्रिया मलिका। हम आपको अपने खानदान में शामिल करना चाहते हैं। एफसुन खातून, हमारे ख्याल में आपकी बहन पाकीज़े शहजादा अब्दुल कादिर के लिए मौजू है। आपका क्या ख्याल है? आपने हमें एजाज बख्शा है मलिका। लेकिन इससे पहले कि आप हमें कोई जवाब दें, इस बारे में पाकीज़े से पूछना जरूरी है। पूछने की बात नहीं है मलिका, हम जानते हैं कि पाकीज़े का जवाब क्या होगा। शहजादा अब्दुल कादिर की सौजा बनना वो बखुशी कबूल कर लेंगी। उनका जवाब यकीनन हाँ होगा। Uh,
देखें, मैं आपकी हिचकिचाहट को समझता हूँ। आप अब तक मुझे जानती भी नहीं है। शादी का फैसला ऐसे नहीं होता कि एक लम्हे में कर लिया जाए, ये जानता हूँ मैं। ऐसा कीजिए, आप इस बारे में थोड़ा सोचिए, फिर मेरी वालिदा को जवाब दे दीजिएगा आप। ठीक है। आपकी दरखास्त कबूल करती हूँ। अहकामात पर अमल हो गया महमूद पाशा? जी हां सुल्तान मुअज्जम। आ जाएं मेरे सुल्तान, परवेज अफंदी आए हैं। आने दो से। आ जाओ आ जाओ। खूनी शादी क्या तुमने लिखा है? मुझे हैरत है सुल्तान मौसम, क्या आप ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? खूनी शादी क्या तुमने लिखा है? नहीं, लेकिन इसके लिखने में मदद जरूर की है। ये एक खूबसूरत खेल होगा, जल्द ही दरवाजा खुलेगा और आपको एक बड़ी सरकशी की खबर दी जाएगी। बल्गारिया के बाशिंदे अपनी आजादी की खातिर कुछ भी कर सकते हैं। वो 500 साल से इस रियासत में आजादाना जिंदगी बसर कर रहे हैं और वो आज भी आजाद हैं। बगावत मेरे सुल्तान, बगावत। जब बगावत की आग भड़कती है तो माजी किसी को भी याद नहीं रहता। आ जाएं। मेरे सुल्तान, ठीक है बेटा जाओ। सुल्तान मौज़ा, आपके हुक्म के मुताबिक बल्गारिया में होने वाले खूनी शादी के खेल की तमाम नशिस्तें हमने खरीद ली हैं। अब ये खेल बगैर शायकीन के रचाया जाएगा। तुम्हें क्या लगता है कि झूठ पर मबनी खेल हमारी रियासत को तबाह कर सकता है? पारवुसाफंदी, मैंने ये काम अपने सबसे वफादार लोगों के साथ मिलकर किया था। सब मुंतखब शुदा थे, हर शय तैयार थी। इस खेल का मकसद बल्गारिया के बाशिंदों और उस्मानियों के मरासिम को तबाह करना था। अगर नाउम्मीदी दिखाकर हमें उलझाना चाहते हो तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। नहीं, मैंने इसके लिए हर तदबीर इख्तियार की ताकि आपको पता ना चल सके। हम जब से तख्त पर बैठे हैं तब से जानते हैं कि जिन हुकूमतों की तुम नुमाइंदगी करते हो उनके अजाइम क्या है। वो 25 साल से बर्लिन कांग्रेस के फैसले को उस्मानिया सल्तनत पर लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी हर मुमकिन कोशिश है कि बलकान को हमसे अलग कर दिया जाए, लेकिन दीगर हरीफों की तरह तुम भी नाकाम हो गए। हमने कहा कि हार मान लो, मगर तुमने हार नहीं मानी, क्योंकि तुम लोगों की सियासत में मजलूमों पर जुल्म करना शामिल है और हम हर कदम पर मजलूमों के साथ खड़े रहेंगे। यह हमारा फर्ज है, जिम्मेदारी है हमारी।
बलकान को कभी कोई हमसे नहीं छीन सकता जब तक हम तख्त नशीन हैं। आहिस्ता आहिस्ता यह आपके हाथ से निकल रहा है। पिछले 25 सालों में हमने कई बार हमले किए, शायद हमने गलतियां की, लेकिन अब हर चीज का हिसाब किताब हो चुका है। अगरचे हर चीज का हिसाब लगा चुके हो लेकिन फिर भी कुछ भूल गए हो। शायद तुम हमसे बल्गारिया, सर्बिया, मैसेडोनिया छीनने में कामयाब भी हो जाओ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि तुम लोग संजक के बोस्नियाई और करामान से ताल्लुक रखने वाले तुर्कों को कभी भी हमसे जुदा नहीं कर पाओगे। तुम लोगों ने शायद इन्हें अहमियत नहीं दी। ये वो लोग हैं जो सल्तनत उस्मानिया पर जान फिदा करते हैं और सल्तनत उन पर। आ जाएं। सुल्ताने मुअज्जम, एक बहुत अहम खबर लाया हूं मैं। पारवो साफंदी, तुम कभी बाज नहीं आओगे। अब आप किस बारे में बात कर रहे हैं सुल्ताने मुअज्जम? ये शाम और लबनान की हदूद में पाए गए हैं और वहां के बाशिंदों में तकसीम किए गए हैं। किस बारे में? वो कहते हैं कि अरब साहिब इख्तियार उस्मानियों के अहकाम मानते हैं। रूस के साथ और दीगर तमाम जंगें भी अरबियों ने साथ लड़ी, लेकिन उस्मानी अरबियों को कोई अहमियत नहीं देते। इसलिए कुछ अरब सिपाहियों ने रूस के साथ जंग में शरीक न होने के लिए अपनी उंगलियां काट ली। उनका कहना है कि उस्मानियों के बेशुमार वुजरा में से सिर्फ 3 वुजरा का ही ताल्लुक अरब से है। वो अरबियों को कौमी इत्तेहाद के लिए लड़ने की तरगीब दे रहे हैं। क्या तुम लोगों ने बलकान न मिलने के इम्कान पर यह मंसूबा बनाया है? बस यही सोच है तुम्हारी? अब तुम्हारी कोशिश यह है कि अरब भाइयों और हमारे दरमियान नफरतें पैदा करो। तुम ये नहीं जानते, एक ऐसा मंसूबा जिसे नए आलमी निजाम का वजीर नहीं जानता। जब तुम बलकान में उलझे हुए थे कोई और काम कर रहा था तुम्हारे पीछे, हम जानते हैं। सुल्ताने मुअज्जम, लगता है तुम्हारी अहमियत कम हो रही है पारवो साफंदी। लगता है तुमने जिन लोगों को रास्ता दिखाया उन्होंने ही तुम्हें रास्ते से हटाने का सोच लिया। फिलहाल मैं चलता हूं सुल्ताने मुअज्जम। आओ खुदावंद के सामने अपने गुनाहों का इतराफ करो। मैंने अपने गुनाहों की कीमत चुका दी है पादरी साहब। जो गुनाह करने जा रहे हो उसकी माफी चाहिए। अपनी रूह को उन गुनाहों की भेंट मत चढ़ाओ जो तुमने किए ही नहीं। मैं अपनी रूह को तहजीब के लिए कुर्बान करूंगी। मशरकी बाशिंदे गुर्बत का शिकार है। हजारों बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों से मर जाते हैं। वो ऐसे लिबास के साथ जीते हैं जो काबिल इस्तेमाल ही नहीं है। ऐसे लोगों के लिए हुकूमतें होनी चाहिए। जो हुकूमतें अपने लोगों के लिए काम नहीं करती उन्हें होना ही नहीं चाहिए। शैतान हमारा मोहसिन बनने का दिखावा करता है और गुनाहों पर उकसाता है। मैंने हर चीज खतरे में डाल दी है पादरी साहब। मैंने उन्हें मजहब और मुकद्दस जमीनों की तहसीब याद दिलाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है, और उन लोगों के लिए भी जिन्होंने अपनी जमीनों के लिए जानों का नजराना पेश किया।
मैं अपने गुनाहों का बोझ उठाने के लिए तैयार हूं। तुम्हारे ये ख्यालात तुम्हें गुनाहगार नहीं बनाते। मगर आप ये बात नहीं जानते, वो अभी ज़हनी बीमारी में मुब्तला है और वो तहसीब को बतौर दवा कबूल नहीं करेंगे। मगर मुझे जबरदस्ती ये इलाज करना पड़ेगा जब तक उन्हें एक अच्छी तहसीब नहीं दे देती। हार नहीं मानूंगी मैं, हरगिज़ नहीं। तुम ये सब क्या अकेले ही करोगी? क्या कोई ऐसा नहीं जिसे तुम अपने गुनाह बता सको? यकीनन है, आप है मेरे पास फैला अजूरी। मेरे सुल्तान, फ्रांसीसी डाकखाने में पैगामात देखने के बाद मालूम हुआ कि पैगामात बल्गारिया के अलावा भी भेजे गए हैं। हमें अंदाजा लगाने दें पाशा, वो खुफिया पैगामात डाक और टेलीग्राम के जरिए लबनान और शाम भी भेजे गए हैं। जी मेरे सुल्तान, बजरिया डाक और टेलीग्राम शाम, दमिश्क, इसके अलावा त्राबलस रियासतों के मुख्तलिफ इलाकों में भी भेजे गए हैं। क्या पैगामात भेजे गए हैं उन्हें? माफी चाहता हूं मेरे सुल्तान, उनका कहना है कि खलीफा कमजोर हो गया है। मजीद यह कि अब खिलाफत उस्मानियों के बस की बात नहीं रही। सुल्तान सलीम खान ने यह खिलाफत बजोर शमशीर हासिल की थी, अब उस्मानी इस्लाम की नुमाइंदगी नहीं कर सकते। ये कह तो रहे हैं लेकिन हकीकत यह है कि इस वक्त रियासत उस्मानिया ही आजाद रियासत है। और कौन सा मुल्क है जो इस्लाम की नुमाइंदगी करता है? हम ही हैं वो जो दुनिया भर के मुसलमानों की नामूस की हिफाजत करते हैं। पाशा, जब इस दौर के याजूज माजूज लोगों की इज्जत और नामूस को रौंदते हैं पांव तारे, तो उनके खिलाफ खड़े होने वाले सिर्फ हम होते हैं। ममलूकों से रियासत लेने से पहले ये पुर्तगाली सूफियों के साथ मिलकर हमारी मुकद्दस सरजमीन लेने के लिए बरसरे पैकार थे। उस्मानी खिलाफत मिलने से पहले भी आलम इस्लाम की नुमाइंदगी किया करते थे। और हमारे अलावा उस वक्त कौन था जिसने अल्लाह के लिए तलवार उठाई? क्या आज भी उस्मानियों के अलावा कोई और है जो बेदीन दुश्मनों के सामने खड़ा हो सके? कोई बड़ी साजिश तरतीब दी जा रही है। हमें लगता है कि हमारी ताकत कम करने के लिए दुश्मन हमला करने वाला है। आपके इस खबर को लाने से पहले हमारे जासूस ये खबर हम तक पहुंचा चुके थे। लबनान और शाम में फसादात की तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं पाशा। मेरे सुल्तान, अरब तो हमारे वफादार हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा मुमकिन हो सकेगा। हमारे और उनके दरमियान इस्लामी भाईचारगी है। वो अपने मंसूबे के लिए ईसाई अरबों का इस्तेमाल करेंगे पाशा, लेकिन हम तदाबीर कर लेंगे। मेरे सुल्तान, आपको एक और खबर देनी है। गेट्रूड बेल ने आपसे मुलाकात की इजाजत मांगी है। बुला लें। शाम से कोई खबर आई है? मुझे नहीं मालूम, क्या हुआ? अब्दुल हमीद की मुखालफत में वहां फसादियों में कुछ ऐलानात किए गए हैं। मुझे पता ना हो ऐसा कैसे हो सकता है? इस सवाल का जवाब आपको मालूम है। गेट्रूड बेल, उसने ये इंतजाम कैसे किया? पाए तख्त में, वो बहुत जल्द आपके सामने होंगी। मेरे सुल्तान, गेट्रूड बेल मुंतजर हैं, भेज दो उन्हें। उनके पास आपके लिए एक तोहफा भी है। तोहफे का मुआयना कर लिया है आपने पाशा? जी हां मेरे सुल्तान। भेज दें। Thank you.
सुल्तान। मैं गेर्ट्रूड बेल। आपने बताया नहीं कि हमारी मेहमान एक खातून है तहसीन पाशा। मुझे भी इल्म नहीं था मेरे सुल्तान। खुशामदीद मोहतरमा। आपके लिए एक तोहफा लेकर आई हूं अगर आप कबूल करें। दर हकीकत यह आपकी ही मिल्कियत है जो कि तराबलस की सरजमीन से निकाली गई है। लगता है किसी शहंशाह की तलवार है और तकरीबन 2500 साल पुरानी भी। बहुत ही हिफाजत के साथ रखा गया था इसे। आपकी सरजमीन से निकली है इसीलिए आपकी है। आपके इस तोहफे के लिए हम शुक्रगुजार हैं। हमसे मुलाकात की वजह। मैंने तारीख पढ़ी आसार कदीमा के बारे में। उसकी माहिर हूं मैं। मुझे लगता है जहां से ये तलवार मिली है उस जगह की तहसीब काफी पुरानी है इसलिए आपकी इजाजत चाहिए। जिस खत्ते के अभी हम सुल्तान हैं ये हमेशा से ही कदीम सकाफत की नुमाइंदगी करता रहा है। इस मामले में हमारे कुछ तहफुजात हैं। मालूम है मुझे। मैं जुरत करके यहां तक चली आई क्योंकि आप एक आजाद ख्याल इंसान हैं। उस्मानियों की सरजमीन में एक मीरास छुपी हुई है जो इंसानियत के लिए मुफीद है। अगर आपकी इजाजत हो तो उसे पूरी दुनिया के सामने रोशनास करवाना चाहती हूँ। ये पुरानी तहजीब कैसे वजूद में आई ये जानकर हम आज को समझ सकते हैं। हम आपको इजाजत देते हैं। माफ कीजिएगा एक लम्हे के लिए भूल चुकी थी कि आपके सामने हूं मैं क्योंकि मुझे बहुत खुशी हुई है। मैंने पूरी जिंदगी इस काम के लिए वक्फ कर दी सुल्ताने मौसम। मेरी वाहिद ख्वाहिश है कि तहजीब तरक्की करे और इसमें तुर्कों की उस्मानी तहजीब भी शामिल है। तहसीन पाशा आपको इजाजतनामा फराहम कर देंगे। तब तक मलिका बीदार और सिन्हा सुल्तान महल में आपकी मेहमान नवाजी करेंगी। मैं बयान नहीं कर सकती कि इस दावत से मुझे कितनी खुशी हुई है। मैंने इन्हें मजहब और मुकद्दस जमीनों की तहसीब याद दिलाने के लिए अपना सब कुछ दाव पर लगा दिया और उन लोगों के लिए भी जिन्होंने अपनी जमीन की हिफाजत के लिए जानों का नजराना पेश किया। यहां पर बहुत अच्छा लगेगा। शुक्रिया आपका। बहुत अच्छा लग रहा है। खूबसूरत। मेरी दरख्वास्त कबूल करके आपने मुझे दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान बना दिया है। बहुत जल्द आपकी पाकीज़े से शादी हो जाएगी। पाकीज़े से? जी हाँ, अबासिया की शहजादी एफसुन खातून की छोटी बहन। किस्मत ने आपको फिर से एक और पाकीज़े दे दी है हमारे शहजादे। क्या वो हमसे शादी के लिए राजी होंगी? हमें नहीं लगता कि उनके पास इनकार की कोई खास वजह है। वक्त के साथ साथ वो आपको पसंद करने लगेंगी। वो काफी जहीन और काबिल हैं और हमारे खानदान के लिए भी वो बहुत बेहतर साबित होंगी। हमारा ख्याल है कि हमें आप दोनों की एक मुलाकात करवा देनी चाहिए। अगर आपको बेहतर लगता है तो ठीक है, मिलने की जरूरत नहीं है। इजाजत दीजिए हमें। शहजादे,
आप कुछ कहना चाहते हैं? कुछ कहने की जरूरत है क्या हमें? हमसे पूछे बगैर सब मामला तय हो जाते हैं, फैसले कर लिए जाते हैं। इजाजत दीजिए। सबाह तीन। कुछ कहेंगे नहीं? उस दिन जो कुछ हुआ उसके बाद आपसे कहने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है अब्दुल कादिर। मेरे सुल्तान, आसारे आतिका के मुआविन मुस्तफा अफंदी आए हैं। बुलाएं उन्हें। सुल्तान मोज़म। खुश आमदीद मुस्तफा अफंदी। मेरे लिए एजाज की बात है। अजायब घर के मामलात कैसे हैं? मेरे सुल्तान, इस्तंबुल अजायब घर का पहला हिस्सा खोल दिया गया है, दूसरे हिस्से का तामीराती काम जारी है। दुनिया का सबसे बेहतरीन अजायब घर होगा ये इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मेरे सुल्तान। ये तलवार तराबलस के इलाके से मिली है और ये तकरीबन 2500 साल पुरानी है। ये कैसे मिली? गेट्रूड बेल ने इसे तलाश किया है। मैं उनको जानता हूं, वो इस काम में बहुत माहिर है। तलवार का मुआयना कीजिए और अजायब घर में रख दीजिए। ये कदीम तलवार है। जिस इलाके से ये तलवार मिली है वहां और भी बहुत कुछ होगा। हमने बैल को उस इलाके में खुदाई की इजाजत दे दी है, आपको उन पर नजर रखना होगी। आसारे कदीमा चोरी ना हो ये आपकी जिम्मेदारी है। हमारे अफसरान भी उन पर नजर रखेंगे और निगरानी करेंगे। जैसा आप चाहें मेरे सुल्तान। अब कोई अलैदगी नहीं होगी। महल छोड़ने के बाद हम और खदीजा आमने सामने हवेलियों में ही रहेंगे इंशाल्लाह। इरादे क्या हैं आपके? अरब को उस्मानियों से छीन कर मशरिक वुस्ता की तहसीब कायम करना चाहती हूँ। मैं वजीर आजम बन गया और अपने बेटे के कातिल को ढूंढ लिया तो मैं आप और आपके कौम के लिए फलस्तीन के दरवाजे खोल दूंगा।